मटर बैली। यहाँ पे टाइम से कोई भी गाड़ी वगैरह कुछ नहीं मिलती, और यहाँ पे मिलता है तरह तरह के जूस और ठंडी हवाएं सांसों में बस जाए। हाय रे सांसों में बस जाए। वादियों में फूल खिले जो खुशबू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के व्लॉग में। मैं हूँ नीलम पूर्णिमा रावत और स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत गांव से, गांव सैनीखाल से। तो आज की ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर रही हूँ मैं 7 बजे से, क्योंकि आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए। तो वैसे तो आपको थंबनेल देख के पता चले जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए, पर फिर भी बताते हैं आपको कि कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए। तो बने रहे वीडियो में, और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं, चलते हैं, आपको भी घुमाते हैं खूबसूरत सी जगह। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मौसम की बात की जाए तो मौसम है ख़राब, यहाँ पे धुंध ही धुंध है। और यह है हमारे गांव का स्टेशन, यहाँ पे गाड़ी नहीं है अभी एक भी। तो चलती हूँ मैं पैदल पैदल ही। तो चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको आगे में। और यहाँ पे यहाँ जाते थे हम इंटर कॉलेज हाई स्कूल पढ़ने, ये है हमारा स्कूल। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे गाड़ी का वेट, गाड़ी अभी तक तो नहीं आई है, पर देखती हूँ क्या पता आ जाए थोड़ी देर में। तो इंतज़ार करते हैं फिर चलते हैं। यहाँ पे टाइम से कोई भी गाड़ी वगैरह कुछ नहीं मिलती है, बहुत ही बेकार सिस्टम है यहाँ का। तो दोस्तों फाइनली 2 घंटे के बाद मुझे यहाँ पे एक कार मिल गई, उन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी, तो थैंक यू उनका भी। और यहाँ पे आज हम तरह तरह के पैडकाल से लेंगे और अचार अचार और जूस वगैरह। तो मेरा फेवरेट है लिंगड़े का अचार, जो कि मुझे बहुत पसंद आया है। और आज की डेस्टिनेशन की ओर चल दिए गए हैं, जहाँ की हम देवलगढ़ होके जाएंगे। तो यहाँ पे खूबसूरत रास्तों से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आगे ही जाके हमें राइट साइड लेना है। और यहाँ से आगे जाने वाली रोड श्रीनगर को टच करती है, और हम जाएंगे राइट साइड में, जो कि देवलगढ़ के रास्ते खाकरा होकर। तो यहाँ खूबसूरत हसीन वादियों का लुफ्त उठाते हुए जा रहे हैं हम, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आ गया भटोली गांव, जो कि यहाँ से श्रीनगर जाने के लिए भी एक रास्ता है। और आगे ही मिलके हम यहाँ से थोड़ा सा दूर जाके ही आ गया है देवलगढ़, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, और यहाँ राजाओं के भी देवलगढ़ जाने का रास्ता है ऊपर वाला। तो आइए चलते हैं, यहाँ पे है मेन गेट देवलगढ़। और यहाँ पे देवलगढ़ पे थोड़ा आगे चल के ही ये हम खाकरा में पहुंच गए हैं, जो कि श्रीनगर के और धारी देवी के बीच में रास्ता पड़ता है खाकरा। तो यहाँ से एक रोड जा रही है श्रीनगर के लिए, और एक रोड जा रहा है चार धाम यात्रा के लिए, जहाँ की धारी देवी का रास्ता यही है। तो यहाँ पे पहुंच गए हम धारी देवी में, ये है धारी देवी का मेन गेट। और आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए चार, मेरे साथ मेरे दो देवर हैं और मेरे हस्बैंड है और मैं हूँ। तो यहाँ पे हम धारी देवी क्रॉस हो ही गए हैं,
तो आगे चल के ही चले गए हम। ये है सिरोबगड़ वाला पुल जो कि नया निर्माण बन चुका है, इसमें अभी कार्य चल रहा है। क्योंकि सिरोबगड़ हमेशा ही बरसात हो या ज़्यादा गर्मी हो टूटता ही रहता है, तो सिरोबगड़ ये है और यहाँ पे चोटियाँ बार बार ही गिरती रहती है, तो यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है हर बार ही, और गाड़ी को नुकसान होने का भी डर है। तो इसलिए उन्होंने नया पुल का निर्माण किया, उधर ही से बाईपास वगैरह होके जा सकते हैं भविष्य में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी चट्टान है जो कि टूटती रहती है और यहीं से ही ट्रैफिक होता है। तो यहाँ पे आपदा के टाइम पे वज्रपात हुआ था, तो पूरी चोटी का कटान हो गया है वज्रपात से। तो शहर रुद्रप्रयाग में पहुंच गए हैं और यहाँ पे भरा रहे हैं अभी पेट्रोल, छोटी टंकी फुल कर लेते हैं फिर चलते हैं। और यहाँ से दो घंटा ढाई घंटा लगभग हमें यहाँ से ढाई घंटा लगभग हमें लग जाएगा अगर जो ट्रैफिक ना हो बीच रास्ते में, तो चलते हैं। तो अभी हम रुद्रप्रयाग में हैं, फिर जाएंगे तिलवाड़ा अगस्त मुनि, अगस्त मुनि से उखीमठ, उखीमठ से सारेगांव, सारेगांव से चोपता, चोपता से तुंगनाथ। तो यहाँ थोड़ी आगे चलते ही दो रूट दिखाई देंगे, एक है श्री बद्रीनाथ जाने का रूट और एक है गौरीकुंड केदारनाथ जाने का। ये गुप्त काशी होके आगे चलते हैं। यहाँ पे नदी और बहुत ही अच्छा अच्छा लोकेशन दिखने को मिलेगी, तो आइए चलते हैं। तो यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम रुद्रप्रयाग में, जहाँ पे दो नदियों का संगम होता है। तो यहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम है और आगे जाके ये अलकनंदा नदी के नाम से जानी जाती है। और बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है ये रुद्रप्रयाग का। आगे हमारे ठीक आगे पूरा रुद्रप्रयाग मार्केट है जो कि बहुत बड़ा है, और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। हम नीचे तो नहीं गए पर ऊपर हैं हम, यहाँ पे हमने जूस वगैरह पीते हैं। और यहाँ से हमने शिकंजी पी और पेंट वगैरह लिया और गाड़ी है यहाँ पे पार चलते हैं। तो यहाँ पे नई रोड का निर्माण हो रहा है, पूरे पत्थर पत्थर पड़ रहे हैं नीचे नदी में, और यहाँ टनल वगैरह बना रहे जा रहे हैं रोड रेलवे के लिए। तो बहुत ही क्राउड है और ट्रैफिक वगैरह भी बार बार से लग रहा है, बहुत ही बुरे हाल है। रोड फोर वे है, सही है। और अगस्त मुनि तिलवाड़ा 5 किलोमीटर वाले तिलवाड़ा। पेट्रोल पंप आ रहा है, ये हो चुका पेट्रोल पंप। इस पेट्रोल पंप
तो गाइज यहाँ पे हम तिलवाड़ा में पहुँच गए हैं, तो आज का सफ़र तिलवाड़ा तक ही होगा। आज हम जा रहे हैं विजय भाई के यहाँ, उनका होटल एंड रेस्टोरेंट है, वहाँ शादी वगैरह भी होती है और बहुत ही सुंदर लोकेशन है, बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ जाके, एकदम नदी के किनारे में बसा हुआ डिमरी लॉज। तो आइए चलते हैं डिमरी लॉज में। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं तिलवाड़ा में। कोई मेरी वीडियो तिलवाड़ा से देखता है, कोई मेरा सब्सक्राइबर तिलवाड़ा से है, तो ज़रूर डिमरी लॉज में जाना, बहुत ही अच्छा है और नदी के किनारे में बसा हुआ एक सुंदर सा रेस्टोरेंट एंड होटल डिमरी लॉज। तो हमारे ठीक आगे ही डिमरी लॉज है और पुल के रास्ते जाएंगे हम डिमरी लॉज में, जो कि बहुत ही पीसफुल और बहुत ही सुंदर होटल है। तो यहाँ से आगे ही हमारे आगे ही डिमरी लॉज है और लकी वेडिंग पॉइंट के नाम से भी है। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको वहीं पे। और हम गए आज तिलवाड़ा में डिमरी लॉज। आज हम आए हैं यहाँ दोस्तों के डिमरी लॉज में, शादी पार्टी वगैरह भी होती है यहाँ पे, और यहाँ पे लग गया है एकदम ट्रैफिक। यहाँ पे लॉज के ठीक आगे है नदी, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ। और अब खाना खाते हैं और फिर चलते हैं, हाथ धो लेते हैं, यहाँ पे ये धो रहे हैं हाथ, और खाना खाएंगे और चलते हैं। ये टीरी जाने वाली रोड है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है और यहाँ पूरी मंदाकिनी नदी। और यहाँ पे लंच हो गया है, रेडी खा रहे हैं, यहाँ पे बन गया है लंच तैयार। कैसा है खाना? तो यहाँ पे हम तिलवाड़ा से आगे का सफ़र तय करेंगे और तिलवाड़ा में डिमरी लॉज विजय भाई इनके ओनर है, तो एक बार ज़रूर जाएगा, हमें बहुत अच्छा लगा इनका लॉज। तो गाइज आज का वीडियो यहीं पे इन करते हैं, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।